सिर्फ 3 दिन पानी में उबाल कर पी लो। कितनी भी पुरानी से पुरानी शुगर की बीमारी हो, शुगर चाहे 300 हो या फिर 400, हो जाएगी बिल्कुल जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज रोग के लिए एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आपने इसका सिर्फ 3 दिन सेवन कर लिया तब आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे, और यदि आप इसका सेवन लगातार करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, हमेशा बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं, आप उन सब से भी बच रहेंगे। दोस्तों, आज हर घर में इस शुगर नामक बीमारी का मरीज है। और दोस्तों, इसका कारण क्या है? कारण है आज की हमारी दिनचर्या। दोस्तों, यदि हमारी दिनचर्या सही होगी तब हमें ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन आज के समय में जिनको ये बीमारी है उनके लिए तो हम एक जबरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज की बीमारी बहुत अधिक भयानक है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत अधिक हैं। दोस्तों, जिनको भी शुगर की बीमारी होती है आपने बहुत बार देखा होगा कि उनको पेट के रोग होते हैं, उनको बवासीर होने की संभावना बहुत अधिक होती है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। दोस्तों, जिनको भी शुगर की बीमारी है उनके 90% चांसेस होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और उनको दिल की कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। दोस्तों, जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है 90% चांसेस होते हैं कि उनको किडनी की बीमारी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस बीमारी से बचना है और इसका एक ही उपाय है कि आप इस बीमारी को, शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखें। आज दोस्तों हम आपके लिए एक ऐसा ही नुस्खा लेकर आए हैं जो आपके शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखेगा, और सिर्फ 3 दिन लेने से ही इसका फर्क आपको दिख जाएगा। और यदि आप इसका सेवन करेंगे तब आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में बना रहेगा, और उसके ऊपर इस बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है आप उन सब से भी बचे रहेंगे। यानी ये नुस्खा आपके शरीर की हर बीमारी के लिए काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो क्या है। दोस्तों, इस नुस्खे की मुख्य सामग्री है कद्दू के बीज। दोस्तों, कद्दू का नाम सुनते ही आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के लिए कद्दू के बीज बहुत अधिक चमत्कारी हैं। दोस्तों, अगर पोषक तत्वों की बात करें तो कद्दू के बीज फाइबर से भरपूर हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ कब्ज जैसी समस्या और मोटापे को कम करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा के लिए सबसे कारगर विटामिन माने जाते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सोडियम व फोलेट आदि तत्वों से भी भरपूर हैं। तो आप समझ सकते हैं इन बीजों की अहमियत को। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपने इनका प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है। अब आपने इनमें 1 मुट्ठी कद्दू के बीज डाल देने हैं और इस पानी को उबालना है। जब इस पानी को 3 उबाल आ जाए तब आपने इस आग को बंद करना है और इन बीजों को अच्छी तरह से मसल लेना है, और मसलने के बाद इनको 1 उबाल आपने और देना है, और जब वो 1 उबाल आ जाए तब आपने इनको आग से नीचे उतार लेना है, और नीचे उतारने के बाद आपने इसको 1 गिलास में डालकर इसका सेवन करना है। दोस्तों, आपने इनको छानना नहीं है, बिना छाने ही इनका सेवन करना है। उस पानी को भी पी लेना है और इन कद्दू के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके डायबिटीज की बीमारी कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, चाहे आपका शुगर लेवल 300 रहता हो या 400 रहता हो, वो भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा इस नुस्खे के प्रयोग से। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज ही इस नुस्खे को बढ़ाएं। और दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से न सिर्फ आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा बल्कि आपके शरीर की इम्यून पावर भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। दोस्तों, पेट से लेकर दिल तक की सभी बीमारियों का इलाज है इन कद्दू के बीजों के पास। दोस्तों, आपने हर रोज इन कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए यदि आप अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहते हैं। तो
दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज ही अपने घर पर इस नुस्खे को बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।